मित्रों, आज फिर आप सबका स्वागत है हमारे आज के बाइबल कैप्सूल एपिसोड में। और आज के बाइबल वचन के मनन चिंतन का जो वचन है वो लिया गया है संत मत्ती अध्याय 19 वाक्य 16 से 22 तक। यहाँ पर एक नवयुवक प्रभु के पास आता है और प्रभु से पूछता है, भले गुरु, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा भला काम करना पड़ेगा? और प्रभु उसे कहते हैं कि आज्ञाओं का पालन करो। वह व्यक्ति आता है और प्रभु से ये पूछता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए या परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे कौन सा भला कार्य करना पड़ेगा। यानी वो व्यक्ति जानता था कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए भलाई का कार्य करना बहुत जरूरी है। जी हाँ मित्रों, भलाई के काम अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए या परिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है। उस नव युवक की परेशानी यह थी कि वह इस बात को निश्चित नहीं कर पा रहा था कि भला कार्य आखिर होता क्या है या किस प्रकार के कार्य हैं जो उस श्रेणी में आते हैं जो अनंत जीवन के लिए जरूरी है। प्रभु येसु एकदम साधारण शब्दों में हमें शिक्षा देते हुए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में बताते हैं कि किस प्रकार के भलाई के कार्य हैं जो अंत में हमारे काम आएंगे। जब अंत में हमारा निर्णय होगा, जब हमारा न्याय होगा, तब कौन से वो कार्य हैं जो हमें प्रभु के उस राज्य में प्रवेश पाने के लिए मददगार होंगे। प्रभु कहते हैं कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पिलाया, और जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बंदी या बीमार था तो तुम मुझसे मिलने आए। ये ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं जो हम हमारे भाई बहनों के लिए किया करते हैं और यही अंतिम न्याय के मापदंड बनेंगे। और यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्मकांडों में विश्वास करता था, विभिन्न प्रकार के जो यहूदी धर्म के कायदे थे, कानून थे, उनका पालन करता था और उसे अपने आप पे बहुत ही गर्व था। जब प्रभु कहता है कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आप नियमों का पालन करो तो वह बड़ी तत्परता से जवाब देता है कि प्रभु, मैं तो सब नियमों का पालन करता हूँ। क्योंकि प्रभु उसके सामने मूसा के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं का वर्णन करते हैं और वह नवयुवक कहता है कि इनका पालन तो मैं करते आ रहा हूँ, इसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु उसकी आध्यात्मिक नब्ज टटोलते हैं और उससे कहते हैं कि भाई साहब, तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसे बेच दो और गरीबों में बांट दो, तब आकर मेरा अनुसरण करना। धन संपत्ति, धन का मोह स्वर्ग राज्य में जाने के लिए एक बहुत बड़ी अड़चन हो सकता है। करें मित्रों, आइए आज के इस मनन चिंतन के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम विभिन्न प्रकार के भलाई के कार्य करते हुए धन व संसार से अपना मोह दूर करते हुए ईश्वर में और लोगों की सेवा में अपना तन मन धन लगाएं। क्योंकि जैसा कि प्रभु येसु ने संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में कहा है कि मेरे इन नन्हों में से तुमने किसी एक के लिए भी जो कुछ भी किया है वह तुमने मेरे लिए किया है। यदि हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने भाई बहनों की सेवा करना चाहिए। हमारी जो संपत्ति है, हमारा जो धन दौलत है, हमारे जो भी संसाधन है, उनका उपयोग हम गरीबों, दीन दुखियों और बेसहारा लोगों के लिए करें। आमीन। Oh, 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 oh